न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज अक्षय तृतीया है, बड़ा ही पवित्र दिन है। आज ही महा ऋषि परशुराम जी की जन्म जयंती है और आज ही वर्षी तप के, जैन लोग जो वर्षी तप करते हैं पूरा 13 महीने का एक व्रत करते हैं, उसके पारणा है। आज वो उपवास छोड़ेंगे अपने। ये पवित्र दिन की थोड़ी बात करें। मेरे एक दोस्त ने कहा कि ऐसा क्यों है जीतू भाई कि अखात्रिज के दिन कोई मुहूर्त नहीं देखने का, पूरा दिन शुभ होता है, ऐसा किसने तय किया कि आज पूरा दिन अच्छा है? कैसे तय किया कि आज का पूरा दिन अच्छा है? और वो 365 दिन में से आज का दिन ही सबसे अच्छा है, ऐसा कैसे तय कर पाए? सब दिन एक समान रहते हैं, हर रोज सूरज वही निकलता है, वही चांद निकलता है, फिर ये दिन अलग कैसे है? उनका सवाल बहुत अच्छा था। कई बार क्या होता है कि सवाल पूछने वाला सवाल इसलिए पूछता है कि वो कुछ जानना चाहता है, जिज्ञासा के वश होकर वो कोई सवाल करता है। और ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसलिए पूछे जाते हैं कि जो वक्ता है या जिससे सवाल किया गया है वो कितना विद्वान है, वो जानने की कोशिश की जाती है। या तो उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश है कि आप समझते हैं कि आप बड़े विद्वान हैं, नहीं, मेरे पास ऐसे सवाल है जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। और मैंने अक्सर देखा है कि कई लोग आते हैं, कहते हैं कि जीतू भाई आपसे सवाल पूछना है, कहते पूछो, तो कहते बताओ जीतू भाई, पहले अंडा हुआ या पहले मुर्गी हुई, पहले बीज हुए या पहले वृक्ष हो गया? अब ये जो सवाल है वो जिज्ञासा का सवाल नहीं है, वो जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ सवाल नहीं है, वो ज्ञानवर्धक सवाल नहीं है। ये जो सवाल है, ऐसे कई सवाल है जो वक्ता की कसौटी करने के लिए पूछे गए हैं। तो ये भाई के जो सवाल थे वो मैं समझता हूं कि जिज्ञासा से उन्होंने ये सवाल किए। तो पहली बात यह कि अखात्रिज के दिन पूरा दिन शुभ क्यों होता है, तो थोड़ी बात समझ ले। हमारी जो पंचांग की गणना है, हमारा जो वर्ष 360 दिन का जो वर्ष है, वो आकाश में खगोल में ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पर है। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, ये तीनों की जो तीन जो है, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, उसके बीच के जो संबंध है उसके आधार पर हमारा पंचांग बना हुआ है, हमारी तिथि बनी हुई है और हमारे महीने बने हुए हैं, हमारा पूरा साल बना हुआ है। तो आकाश में वो दिन वो स्थिति होती है जब पंचांग में लिखा जाता है कि आज पूनम है, तो आप देख सकते हो कि आकाश में पूरा चंद्र दिखता है। और जब पंचांग में लिखा होता है कि अमावस्या है, तो उस दिन आप चंद्र नहीं देख पाओगे। तो अखात्रिज का दिन शुभ इसलिए है कि आकाश में पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है लाखों किलोमीटर की स्पीड से, सेकंड में लाखों किलोमीटर की स्पीड से, चंद्र पृथ्वी के आसपास फिरता है लाखों किलोमीटर की स्पीड से, और खुद सूर्य अवकाश में लाखों किलोमीटर की स्पीड से घूमता रहता है। अब ये तीनों के बीच जो तालमेल है वो अखात्रिज के दिन ऐसा बनता है कि पूरे का पूरा दिन जो खगोलीय प्रभाव है वो शुभ बना रहता है।
अब दूसरी बात है कि ये ढूंढा किसने, ये किसने तय किया? भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसमें नाम देने की कोई फैशन नहीं है। कोई कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो वो जो कोई भी संशोधन करता है उस पर अपना अधिकार नहीं जमाता, ना कॉपीराइट लेता है, ना वो उसे पेटेंट करवाता है। वो पूरे समाज के लिए है। नाम भी कैसे दिए गए? बड़े महान ज्योतिषाचार्य खगोल शास्त्री हुए, वराह मिहिर। अब ना उससे पता चलता है कि वो कहाँ के थे, कौन प्रदेश से रहने वाले थे, कौन जाति के थे, वो कहा, उनका पूरा नाम मिटा दिया गया। भारत में सबसे बड़े ज्ञानी वेदम व्यास हुए। आप देखते हो कि उसके नाम वेदम व्यास के सिवाय उन्होंने कुछ अपना अधिकार नहीं जमाया। वेदम व्यास अगर गीता पे कॉपीराइट ले लेते तो आज वेदम व्यास के जो संतान होते भारत में उनके पास बिल गेट्स से भी ज्यादा पैसा होता। मैं कभी यहां कॉपीराइट की बात नहीं, पेटेंट की बात नहीं, नाम देने की बात नहीं हुई। ये किसने तय किया? हजारों लाखों ऋषि मुनि हो गए, उसमें से किसी ने तय कर दिया? अब वो पूछते हैं क्या, ये गलत भी हो सकता है ना कि ये बात सही ना हो? तो मेरा जवाब है कि इनके बाद जब भी ये वसंत पंचमी है या अखात्रिज है, ये सब हजारों सालों से चली आई परंपरा है। इसके बीच लाखों ऋषि मुनि हुए, हजारों लाखों विद्वान हुए, किसी विद्वान ने उस पर आपत्ति नहीं की। अभी अभी बंगाल में रामकृष्ण परमहंस हुए, ऐसा आदमी हजारों लाखों साल में एक बार पैदा होता है, क्या कहे इसके बारे में? मैं समझता हूं कि खुद भगवान ये सोचता होगा कि मैं रामकृष्ण के दर्शन कर लूं। भगवान को होता होगा कि बहुत दिन हो गए मैंने रामकृष्ण को छुआ नहीं है, मैं छू के आ जाऊं। भगवान सोचता होगा कि बहुत दिन हुए मैंने रामकृष्ण के साथ भोजन नहीं किया, आज मैं भोजन करके आता हूं रामकृष्ण के साथ। अब आप देखें कि इतने विद्वान, इतने भगवान के परम भक्त, इन्होंने भी कभी नहीं कहा कि जो शास्त्रों में लिखा है वो गलत है, ये बात सही नहीं है। वो कह सकते थे कि अखात्री या ये सब बात गलत है, ये वसंत पंचमी ये सब गलत है, नहीं कहा। अभी रजनीश जी हुए, वो भी करोड़ों साल में एक पैदा होने वाले विभूति थे। किसी ने रजनीश जी को पूछा और जानबूझ के पूछा होगा कि भगवान बताए प्रेत है या नहीं? अब रजनीश जी से कोई क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप भी क्या उम्मीद रखते हैं? रजनीश जी ने कहा होगा कि नहीं प्रेत है नहीं, क्योंकि तो बड़े विद्वान थे, बड़े बुद्धिजीवी थे। नहीं, रजनीश जी ने कहा प्रेत है, पूरी थियरी बताई, प्रेत कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, सब थियरी बताई। रजनीश जी ने भी जो भी कुछ लिखा है, कहा गया है शास्त्रों में, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। तो ये जो बातें हैं, बाद में हजारों विद्वान हुए, किसी कोई तो कहता कि नहीं ये खादरी, ये वसंत पंचमी, ये दिवाली सब बोगस है, कोई इसमें ऐसा कोई माहौल बनता ही नहीं है, किसी ने नहीं कहा। तो यही इस बात की सिद्धि है कि इतने सारे विद्वान अगर जिस पर शंका नहीं करते हैं तो हम क्यों करें? और तीसरी बात, वो कहते हैं कि इतने सारे, आप कह रहे हो कि जीतू भाई लाखों किलोमीटर की स्पीड से चंद्र घूम रहा है, सूर्य, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहे हैं, तीनों एक दूसरे के आसपास घूम रहे हैं, वो तीनों फिर अवकाश में घूम रहे। अब इतना सारा बड़ा ब्रह्मांड और इसमें इतनी सारी स्पीड से गति हो रही है, अब वो कैसे तय कर पाए कि इसी दिन सबसे अच्छा मुहूर्त है? मेरा जवाब बहुत सिंपल है। हमारे शरीर में कई अरब कोशिकाएं हैं, कई अरब कोशिकाएं हैं, कोश है, सेल है, कई अरब। आप वो कोशिकाओं का
कोशिकाओं को काट के किसी लेबोरेटरी में भेजते हो, जहां जो आपने सैंपल भेजा है उसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, और लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ जाता है कि ये जो कोशिका, ये जो आपने सैंपल भेजा था उसमें से इतने जो कोष है वो कैंसर के हैं। अब करो अब्बजो कोशिकाओं का हमारा शरीर है, जो सैंपल भी भेजा गया था उसमें भी कई अब्बज कोष है, उसमें से एक डॉक्टर जो 6-8 साल पढ़ा है, 10 साल पढ़ा है, एक छोटी सी मशीन लेके बैठा है, और वो कह सकता है कि इतनी कोशिका एक कैंसर वाली है, इतनी अच्छी है। अब एक बूंद खून का, एक बूंद लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो और उसका एनालिसिस आ जाता है कि इतने लाख व्हाइट सेल है, इतने लाख रेड सेल है, इतने पस सेल है, इतने ये सेल है। अगर अब्बज कोषों में से, अब्बजों अरबों कोषों में से आज का विज्ञान अगर 5-25-100 कोष भी कैंसर के है वो बता सकता है, तो 365 दिन की जो खगोल की परिस्थिति है उसमें से ये दिन सबसे अच्छा है, ये बताना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और याद रखिए कि आज हमारे पास जितने भी आविष्कार हैं वो पुराने समय में भी एक या दूसरे रूप से ऋषि मुनियों के पास थे, तो वो तय कर पाए कि ये दिन शुभ है। और आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि कोई मुस्लिम भाई, कोई क्रिश्चियन भाई खुद अपने धर्म पर कभी शंका नहीं करते हैं। और एक हमारे देश में हम है हिंदू जो है वो हमारी हरेक बात पर न सिर्फ शंका करते हैं, मगर हम ये ट्राई करते हैं, हमारे ही विद्वान ट्राई करते हैं कि इसको गलत साबित कर दो। ये कहना बहुत आसान है कि मैं नहीं मानता, ठीक भाई आप नहीं माने, मगर ये परिस्थिति है। हमारे विद्वान जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने तय किया कि यह दिन सबसे शुभ है। तो आज अखाद्रिज है, एक बड़ा ही शुभ दिन है। हम आप सबको भी, मेरे सब दर्शकों भी शुभकामना देते। आज दूसरा दिन है, परशुराम जयंती है। मैं परशुराम जयंती के दिन मैं भारत भर के, भारतवर्ष के जितने भी क्षत्रिय है, छोटे बड़े बहने माताएं, उन सबको प्रणाम करता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे नहीं करने चाहिए, मैं क्षत्रियों को प्रणाम नहीं कर सकता हूं परंपरा के अनुसार, मर में सभी क्षत्रिय भाइयों को वंदन करता हूं आज। और वजह है इसकी, जो परशुराम जी ने 21 बार करोड़ों क्षत्रियों की हत्या कर दी, बार बार बच्चे की भी हत्या कर दी, मां के पेट में रहे हुए गर्भ की भी हत्या कर दी, कभी क्षत्रियों को नहीं बख्शा। इतने बड़े भयंकर युद्ध हुए क्षत्रियों के साथ और एक ही ब्राह्मण ने सबको मार दिया, बार बार मार दिया। भयभीत रहे होंगे, कई साल, सैकड़ों साल तक क्षत्रिय भागते फिरे होंगे। 21 पीढ़ी, 21 बार मतलब 21 पीढ़ी, 25 साल की 21 पीढ़ी होती है, तो समझो कम से कम 500 साल तक वो भारतवर्ष में डरे डरे फिरे होंगे, छुपाए छुपाए रहे होंगे। और मैं उनको वंदन इसलिए करता हूं क्षत्रियों को कि आज भी वो परशुराम जी की निंदा नहीं करते। आज जब ब्राह्मण लोग निकालते हैं जुलूस परशुराम जी का, बड़े बड़े क्षत्रिय शामिल होते हैं उसमें, कोई निंदा नहीं करता। क्षत्रिय समाज नहीं कहता कि परशुराम जी को हम निंदा करते हैं, परशुराम की भ्रष्टना करते हैं, परशुराम जी ने हमारे समाज की इतनी हत्या कर दी। वो भी क्षत्रिय भी परशुराम जी को भगवान का अवतार मानते, कहते कि हमारी गलतियां थी, हम बिगड़ गए थे, हमें सुधारने के लिए खुद भगवान ने आके हमें मारा है। आज भी जब मैं क्षत्रियों को मिलता हूं
वो बड़े आदर से मुझे प्रणाम करते, मैं छोटा हूँ वो बड़े हैं, बहुत रईस ज्यादे हैं, पर फिर भी मैं जब भी देखता हूँ कि कोई क्षत्रिय के साथ हम जा रहे हैं, वो पानी की बोतल खोलेगा, उनकी बोतल है वो खोलेगा, वो मुझे पहले देगा, जीतू भाई पहले आप पी लो। मैं कहता हूँ नहीं साहब आप पी लो, फिर मैं नहीं 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 जीतू भाई आप पहले पियेंगे। तो क्षत्रिय समाज ने कभी ब्राह्मणों की भर्त्सना नहीं की, ब्राह्मणों को द्वेष नहीं किया। राजा भी थे, एक फटीचर ब्राह्मण के सामने खड़े हो जाते थे, वंदन करते थे, पांव धोते थे, आज भी इतना ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इतिहास में ये बेमिसाल बात है कि जिस समाज की ब्राह्मणों ने इतनी हत्या कर दी, बार बार मार दिया, वो समाज आज ब्राह्मणों को अपना गुरु मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, ब्राह्मण भी प्यार करते हैं। तो परशुराम जयंती का संदेश यही है कि युद्ध होते हैं, हो जाते हैं, कत्ल हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, उसे भूल जाना चाहिए, समाज को तो फिर मिल ही जाना चाहिए। 2002 में कुछ बातें हो गई, आज भी हमें बार बार खुरेद खुरेद कर वो बातें याद कराई जाती है। 2012 हो गए, 10 साल हो गए, गुजरात में हिंदू मुसलमान भाईचारे से रह रहे, जैसे क्षत्रिय और ब्राह्मण रह रहे, कोई तकलीफ नहीं है, मगर खुरेद आ जा रहा है, कहा जाता है कि दंगे हुए थे, दंगे हुए थे। अभी भी लोग हैं कहते 48 में, सन 48 में जब पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान ने यह किया था वो किया था, भारत वालों ने यह किया था वो किया था, वो भूलने की बात है। जैसे आज हिंदू समाज के की जो सबसे बड़े दो पिलर है, क्षत्रिय और ब्राह्मण, वो भाईचारे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, जिनके बीच में इतने बड़े युद्ध हुए थे। तो ये संदेश है आज परशुराम जयंती का। और आखिर में आज वर्षी तप, 13 महीने का बहुत कठिन तप होता है, उसकी आज समाप्ति है, पूर्णाहुति है, भगवान महावीर को वंदन करते हैं। बहुत कह सकते हैं भगवान महावीर पे, मगर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भगवान महावीर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। भगवान महावीर जितना बड़ा वैज्ञानिक न हुआ न होगा। आइंस्टाइन तो कुछ नहीं है, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। भगवान महावीर का जो स्पर्श था, ज्ञान नहीं कहता हूं, भगवान महावीर का जो स्पर्श था, उनकी जो वाणी थी भगवान महावीर की, वो बैक्टीरिया तक पहुंची, जो हम सूक्ष्म दर्शक यंत्र के सिवा देख नहीं सकते, वो बैक्टीरिया तक उनकी उनका संदेशा पहुंचा है। और प्राणी जगत पे जितनी बड़ी कृपा भगवान महावीर ने की है, शायद ही कोई ऋषि ने की है, कोई व्यक्ति ने की है। और उनके पास इतना बड़ा साइंस था, मैं कहने से हिचकिचाता नहीं हूं भगवान महावीर के ज्ञान के बारे में, कि आज जितने भी आविष्कार है, चाहे सर्जरी में हो, बोटोनी में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, हम रॉकेट उड़ाते हैं, जितना भी टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सर्जरी है, अगर भगवान महावीर अहिंसा को और धर्म के प्रचार में न लगते और सिर्फ विज्ञान के पीछे पड़ जाते, तो आज जितने भी आविष्कार है वो महावीर कर चुके होते। कभी विस्तार से बात करेंगे महावीर के बारे में, मगर आज हम महावीर स्वामी को भी प्रणाम करते हैं, भगवान परशुराम जी को भी प्रणाम करते हैं, भारत के तमाम ऋषि गणों को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें इतनी अद्भुत खगोलीय ज्ञान दी। तो आज ज्ञान का दिन है, त्यौहार का दिन है, खुशी का दिन है। हम अपने सभी दर्शकों को ये सब त्यौहार की खुशी और ये जो ज्ञान की खुशी है वो बांटना चाहते हैं। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।